हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जी, आज हम कर रहे हैं हमारी सफारी का फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब लोग जानना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मुझे और बहुत सारे डीएम्स आए हैं कि कितना देती है, कितनी एवरेज देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं या खरीदने के बाद, ये हमें एक जो मेजर चीज़ है जो जाननी होती है कि कितना ये फ्यूल इकोनॉमी हमारे को प्रोवाइड कर रही है, गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है एक लीटर डीजल में। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं। काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रहा था वीडियो बनाने के बारे में, बट किसी कारण से थोड़ा डिले हो रहा था, तो सोचा मैंने आज बनाता हूँ। आज मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, आज ट्यूसडे है, मेरी नाइट शिफ्ट होती है जैसे कुछ लोगों को पता होगा। तो इस टाइम बज रहे हैं 6:44, 7:15 बज रहे हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे गुड़गांव। तो अभी मेरी जो फ्यूल है इसमें बिल्कुल ही कम है, मतलब ना के बराबर है, 75 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। और मैं उस वाले पेट्रोल पंप पे हूँ यहाँ पे जो 24 घंटे खुला होता है। तो अभी हम यहाँ से टैंक फुल करवाते हैं, ठीक है, और उसके बाद चलते हैं अपने ऑफिस। और फिर जब रात को आएंगे, मतलब यहाँ पे मेरे घर आसपास ही है, तो हम दोबारा यहाँ पे टैंक फुल करवाएंगे ताकि हमारे को पता चल जाएगा कि हमारे को कितनी एवरेज मिली है। तो टैंक टू टैंक देखेंगे, तो ऑडो पे भी इसके यहाँ पे क्लस्टर पे भी देखेंगे कि कितना इकोनॉमी मार्को फ्यूल इकोनॉमी दिखाता है। अभी तो जैसे 13.4 दिखा रहा है, तो एक बार जब रीसेट करेंगे डीजल भरवा के तो देखेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ अलग होता है और टैंक टू टैंक अलग होता है। सो जो आज जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। वैसे तो मुझे पता है कि कितनी दे रही है ये फ्यूल इकोनॉमी, मतलब कितने एवरेज दे रही है, बट एक बार वीडियो पे कैप्चर करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में कितनी दे रही है, और आप सबको भी पता चलेगा ये इतनी बड़ी गाड़ी कितना एवरेज देती है। फुल कर दो ऑटो कट तक। ये पेट्रोल है डीजल? डीजल डीजल डीजल। कैन तो खुला हुआ है, ऑटो कट तक कर देना। चेक करना भी है, जीरो डीजल। ठीक है, थोड़ा सा ही डीजल था गाड़ी में, वही पता चल जाएगा कितना था। जैसे ऑटो कट हुए ना बंद कर देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी चमक रही है। अच्छा ये रुकी ही, मशीन दोबारा चलेगी देख लो। 200 पे रुक गई, क्यों रुकी? रुकी है, 200 फीट हुआ था। देखो आपने 200 फीट करा था क्या? क्यों करा था आपने 200 फीट? तब तक फीट नहीं करेगा तो चलेगी नहीं मशीन, ऑटोमेटिक मशीन है ना। अरे यार ये क्या बात होती है, आप 10,000 रुपए फीड करते थे तो रुकती ना। हाँ रुकती नहीं। हाँ तो फिर आपने 200 क्यों करा? नहीं ये लीटर पे 200 लीटर मैंने फीड करना था। अच्छा 200 लीटर फीड करना था, आप 200 रुपए फीड कर दिया। चलो 200 का भरा है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, बताना ठीक रहता ना आपको। हाँ हाँ नहीं बताना जरूरी है। अब ठीक फीड करा आपने 200 लीटर दोबारा से ज्यादा? ठीक है। थोड़ा डाउट होता है जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है, गलती है सबसे होती है, बड़े सारे स्कैम चल रहे हैं यार आजकल, कोई बात नहीं। ऑनलाइन आपका 24 घंटे खुला होता है ना? क्योंकि अभी इसकी ना मैं एवरेज टेस्ट कर रहा हूँ, तो जो सुबह भी आऊँगा मैं 5-6 बजे तो खुला होगा ना। हाँ बट ठीक है, हो गया ऑटो कट। 38 लीटर पेट्रोल है, 12 लीटर था अप्रोक्सीमेटली। हाँ हाँ मतलब समझ गया, ठीक है। पहले 200 रुपए का आया था, कितना 2 लीटर 2.5 लीटर आया होगा। हाँ हाँ 3422 और 200। सो जो टैंक मैंने फुल करा लिया है, ये देखो फुल हो गया। वो जरा सा बचा है ना, वो जरा सा बचा नहीं है, बट वो कभी कभार ऐसे दिखा जाता है, पर अगली बार जब स्टार्ट करूँगा तो वो फुल हो जाएगा। तो अभी हम ना ट्रिप इसकी रीसेट कर लेते हैं, ट्रिप ए, ठीक है, ये ट्रिप रीसेट जीरो पे हो गया। अब नई तरीके से ये जो एवरेज है ये नए तरीके से दिखाएगा। और ज़्यादातर गाड़ी ना मैं इकोनॉमी और इकोनॉमी पे चलाता हूँ वैसे तो ज़्यादातर गाड़ी, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो मोर देन सफिशिएंट पावर है। अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो ना, तो वो मोर देन सफिशिएंट पावर है, इससे ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अगर आप सिटी पे ड्राइव कर रहे हो तो सिटी पे गाड़ी क्या है कि भागने को तैयार रहती है, तो मेरे को इतनी पावर चाहिए ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे दोनों काम हो जाते हैं कि मेरे को भी इतनी पावर चाहिए भी नहीं है, और मेरी इकोनॉमी भी सही, फ्यूल एवरेज भी सही निकलती है।
तो अभी मेरे को थोड़ा सा गुड़गांव जाते हुए ट्रैफिक मिलेगा, बट सुबह ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और मेरे घर से जो मेरा ऑफिस है वो 30 किलोमीटर्स है, अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स है। तो ट्रिप मैंने सेट कर दी है, तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा और वहां से निकलूंगा कि कितना एग्जैक्टली किलोमीटर है। सो जी 4:30 बज गए और मैं ऑफिस से निकल गया हूँ इस टाइम पे। ऑडोमीटर पे जो रीडिंग दिखा रहा है वो 31.3 किलोमीटर दिखा रहा है। एंड जो ये डिस्टेंस टू एम्प्टी 578 है, और जो मैं आपको दिखा रहा था ना उस टाइम पे जरा था ये खाली था, मतलब ऊपर से कम था, अब ये फुल हो गया ऊपर। तो हाँ, अब यहाँ से अपने घर की जर्नी स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पे जो एवरेज दिखा रहा है वो 13.1 किलोमीटर दिखा रहा है। इस टाइम पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलने वाली है मेरे को, क्योंकि रात के 4:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं इकोनॉमी मोड पे ही चला रहा हूँ गाड़ी, ठीक है, इकोनॉमी मोड पे ही चलाऊंगा मैं पूरे रास्ते गाड़ी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं। तो सिटी मोड का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, और स्पोर्ट्स मोड की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। और मैं क्रूज़ कंट्रोल भी लगाऊंगा, क्योंकि यू नो पूरा खाली हाईवे होगा NH8, तो क्रूज कंट्रोल मैं लगा लूँगा, उससे यू नो काफ़ी अच्छी एवरेज आ जाती है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसमें, जैसे यू नो आप आपकी ना ड्राइविंग पे सब चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी जो एवरेज है वो कैसी आएगी। जैसे आप हार्ड फूड रखते हो तो आपकी एवरेज कम आएगी, और अगर लाइट फूड रखते हो तो एवरेज यू नो धीरे आएगी, मतलब ज़्यादा आएगी। लाइट फूड का मतलब है कि आप अगर आराम आराम से एक्सेलरेशन दोगे ना, ठीक है, तो आपकी जो एवरेज है वो अच्छी आएगी। आप एकदम से रेस दोगे और एकदम से ब्रेकिंग करोगे तो आपकी एवरेज खराब हो जाएगी, ठीक है, एवरेज मतलब कम हो जाएगी बिल्कुल। तो ये चीज़ें ना बहुत अफेक्ट करती है, और इस चीज़ को ना कंट्रोल करने के लिए इस गाड़ी में ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ना पता चलता रहेगा कि आप एक्सेलरेशन कैसे कर रहे हो, आप गाड़ी कैसे चला रहे हो। तो यहाँ पे ना एक ये बटन है, ठीक है, इस वाले बटन से आप वो मोड चेंज कर सकते हो, वो स्क्रीन चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये बटन दबाया, ये वाला बटन दबाया, ठीक है, अब ये देखो ये आ गया ड्राइवर असिस्ट का आएगा। अब मैं दोबारा ये बटन दबा रहा हूँ, अब आया व्हीकल इंफॉर्मेशन, ये आया नेविगेशन, मीडिया, एक आएगा इंस्टेंट, ओ अच्छा वो उसी में आता है, यहाँ पे आ गया ट्रिप इन्फॉर्मेशन में। अब यहाँ से मैं नीचे करूँगा ना, टॉगल डाउन करूँगा, तो डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। अब आप इस पे ना अब इस पे फोकस करना, अब जैसे ही मैं एक्सेलरेशन करूँगा ना, वैसे ही जैसे मैं एक्सेलरेशन कर रहा हूँ वैसे ही वो बढ़ रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है। अब देख रहे हो कैसे वो उसका बार जो है वो बढ़ रहा है और कम हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है वो जो जो स्केल है वो 0 से लेकर 20 तक है। इससे ये पता चल रहा है कि जब मैं एक्सेलरेशन इतनी रख रहा हूँ तो ये इतनी रख रहा हूँ, तो देखो अब ये एवरेज बढ़ गई है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी है। देखो अब मैंने लाइट फूड रख रखा है और मेरी स्पीड भी 30 पे है, तो एवरेज कहीं 20 के आसपास आ रही है, देख रहे हो आप। अब जैसे ही मैं हार्ड फूड रख दूंगा, एकदम तेज कर दूंगा, ये देखो मैंने एकदम से एक्सेलरेशन दी, कैसे एकदम से कम हो गई फ्यूल इकोनॉमी, कैसे एकदम से कम हो गई। अब दोबारा मैं लाइट फूड पे आ गया हूँ तो अब 20 पे बढ़ गई है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, मतलब आपको यू नो अपने आप को एग्जामिन करने का कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हो, और आपकी ड्राइव के हिसाब से ही आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है ना वो कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो मैं यार मतलब मैं मेरा जो यू नो मैं तेज़ नहीं चलाता हूँ गाड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 60 से ऊपर नहीं जाता हूँ जब तक यू नो बहुत ज़रूरत ना पड़ जाए या कुछ स्पेशली नीड की मतलब यू नो कुछ रिक्वायरमेंट ना हो। तो मैं कम स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ, 60 की स्पीड ही मेंटेन रखता हूँ मैं, ज़्यादा 70-80 इससे ज़्यादा ऊपर नहीं। तो मेरी फ्यूल जो एफिशिएंसी इकोनॉमी है वो वैसे ही मतलब मेरे को तो ठीक ही लगती है इस गाड़ी की, मतलब बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इस गाड़ी से मुझे ना इतनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, इतना अच्छा एवरेज मुझे गाड़ी देगी। वो तो अभी आपको मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा जब मैं फ्यूल भरवाऊंगा इसका उसी पेट्रोल पंप पे जाके कि कितना यू नो एफिशिएंसी कितनी एवरेज दे रही है ये गाड़ी। बट ये अगर आप भी लाइट फूड के पे इसको यू नो लाइट फूड पे चलाओगे गाड़ी को और इकोनॉमी मोड पे चलाओगे,
तो ये गाड़ी आपको सफारी बहुत अच्छी एवरेज दे देगी। एक तो डीजल है, ठीक है, डीजल में वैसे ही एवरेज अच्छी मिलती है, और ऊपर से जो इसके मोड्स है ना वो मतलब काफी अच्छे हैं। इकोनॉमी मोड पे ही ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी यू नो पावर डिलीवरी है, और सिटी मोड पे तो बस भागने को तैयार रहती है, और स्पोर्ट्स मोड के तो कहने ही क्या। मुझे लगता नहीं था मतलब कोई जरूरत लगती नहीं है इस गाड़ी में ना स्पोर्ट्स मोड की, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड बहुत ही मतलब एकदम ऐसा इसको रेस कार की तरह बना देता है। जैसे आप बस आपको ना अपना टो टच करने की जरूरत है गैस पेडल पे और गाड़ी हवा में, ऐसा हिसाब किताब है। तो वो कभी जरूरत नहीं पड़ती है, यू नो प्रैक्टिकली उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे तो आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी, बस टेस्ट के लिए पैडल शिफ्टर चलाने के लिए मैंने उसको बस ऐसे यूज करा था, ठीक है। तो उसकी वैसे कोई कभी कोई जरूरत नहीं है। आपका एक सिटी मोड ही बहुत ही अच्छा काम कर देगी, और इकोनॉमी मोड तो सिटी के लिए बेस्ट ही है। सो अभी खाली रोड है, ये देखो अभी हाईवे पे मैं आने वाला हूँ, और खाली रोड है, कोई भी नहीं है, मतलब इक्का दुक्का लोग ही है। तो फ्यूल इकोनॉमी वैसे ही हमें सही मिलने वाली है। तो मेरा ऑलमोस्ट रोज का रूट यही रहता है, रोज का नहीं बट ज़्यादातर, तो इसलिए मुझे ना एवरेज सही मिल जाती है। सो जी मैं हाईवे पे आ गया उस टाइम पे, और मैं अब क्रूज कंट्रोल लगा रहा हूँ। ये क्रूज कंट्रोल लगा दिया मैंने, और क्रूज कंट्रोल की जो लिमिट है वो मैंने 52 पे सेट कर दिया है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ से बढ़ेगा तो 60 पे मैं कर देता हूँ क्रूज कंट्रोल को सेट। अब फ्यूल इकोनॉमी पे ध्यान देना आप, अभी ना देखो फ्यूल इकोनॉमी जो है वो दिखाता हूँ कितने पे है। ट्रिप ए है ना, ट्रिप 12.3 पे है फ्यूल इकोनॉमी अभी, ठीक है। अभी मैंने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है। अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मैंने आपको एक्सप्लेन करा था मेरी एडास वाली वीडियो में कि कैसे वर्क करता है। अब जैसे आगे गाड़ी है, देखो इसने ना अपने आप ना ब्रेक अप्लाई करती तो जो स्पीड है 57 पे चली गई। अब आगे वाली गाड़ी तेज चल रही है तो अपने आप ये 60 तक ले आएगा। तो वो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था आपको कैसे ये वर्क करता है अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मेरी एडास वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर देखना, वो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो अब मैंने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया, अब जो इसकी ये फ्यूल इकोनॉमी है ना, ये जो इसकी एवरेज है ये बढ़ेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस जब यू नो हम अचीव कर लेंगे क्रूज कंट्रोल पे तो इसकी एवरेज अपने आप इंक्रीज होने लग जाएगी 12.3 से। और अगर आपको यही चीज़ वो इंस्टेंट फ्यूल जो एवरेज वाला है उसमें देखनी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने क्रूज कंट्रोल पे सेट कर रखा है 60 पे, तो मतलब हम एक्सेलरेशन ना ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली क्रूज कंट्रोल पे तो एक्सेलरेशन ऊपर नीचे नहीं हो रही है, कॉन्स्टेंट उस पर है। तो अब जैसे अब आप ये इंस्टेंट उस पर जाओगे ना फ्यूल इकोनॉमी पे, तो ये देख रहे हो आप जो जो ये बार है ना वो एकदम बीच में है, मतलब ज़्यादा डेविएट नहीं कर रहा है वो, ज़रा ज़रा सा डेविएट कर रहा है वो, ठीक है, इतना ज़्यादा डेविएट नहीं कर रहा है। और अभी जब हम हार्ड एक्सेलरेशन और लाइट एक्सेलरेशन कर रहे थे तो ज़्यादा डेविएट कर रहा था। तो दैट मीन्स 0 से 20 का अगर स्केल है तो 15 की एवरेज इस टाइम पे दे रही है, 15 to 16 या 17 तक की एवरेज दे रही है इस टाइम पे एट द करंट मूवमेंट, क्योंकि इस टाइम पे हम एकदम इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन और स्टेडी एक्सेलरेशन पे चला रहे हैं। और ऐसे ही अगर मैं ट्रिप ए पे देखूं तो अभी 12.3 है, ये आराम आराम से बढ़ता है, ये एकदम से नहीं बढ़ जाता। बट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये इसकी जो अभी की एवरेज है वो ज़्यादा ही आएगी, ये आराम आराम से ही बढ़ेगा, ये ज़्यादा तेज़ नहीं बढ़ेगा। बट इस टाइम पे जो एवरेज है वो हमारी ज़्यादा है, क्योंकि वो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी पे जो स्केल है वो 15 to 16 के आसपास ही रुका हुआ है। तो जब हम थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया है और स्टेडी एक्सेलरेशन नहीं कर रहे हैं, क्रूज कंट्रोल पे हैं, और 12.3 से जो इसकी एवरेज है वो 13 पे एवरेज आ गई है, और इससे ज़्यादा भी बढ़ेगी, तो हमारी एक्सेलरेशन स्टेडी है। जैसे ही क्रूज कंट्रोल हम सेट करते हैं ना तो हमारी एवरेज बढ़ जाती है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हमारे को यू नो खुद एक्सेलरेट नहीं करना पड़ता है। इस गाड़ी का ना क्रूज कंट्रोल बहुत अच्छा लगता है मेरे को, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है ना, तो इसमें क्या होता है कि आप एक लेन पकड़ लो चुपचाप से साइड वाली, और एक अपनी स्पीड सेट कर दो, जैसे मैंने इस टाइम पे 60 की स्पीड सेट कर रखी है, जो ग्रीन ग्रीन आ रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपका ना अगर सामने से कोई बंदा रुक भी रहा है, कुछ ट्रक व्रक है या गाड़ी है, अगर वो रुक भी रही है तो अपना स्पीड स्लो कर देता है, तो आपको ना मतलब इतनी मुशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ बस वो अलग बात है कि अगर साइड वाली लेन से कोई अगर ऐसे एकदम से बीच में आ गया
तो आपको यू नो थोड़ा मैनुअली देखना पड़ेगा, बट अगर सामने से कोई रुक रहा है या कुछ है यू नो स्पीड तेज कर रहा है कम कर रहा है, तो उसी के हिसाब से ना हमारी गाड़ी अपने आप को अडाप्ट कर लेती है। अभी देखो अभी मैं कम से कम 15 किलोमीटर क्रूज कंट्रोल पे चला चुका हूँ, गाड़ी 12.3 से 13.4 आ गई है एवरेज, तो ये ऐसे आराम आराम से बढ़ती रहेगी। अगर ऐसे ही हम जितना भी डिस्टेंस यू नो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे तो ये इकोनॉमी जो है इसकी फ्यूल की एवरेज जो है वो बढ़ती ही रहेगी और बढ़ती रहेगी। सो जी हम पेट्रोल पंप पे पहुंच गए जहाँ से हमने शाम को पेट्रोल भरवाया था, ये वही पेट्रोल पंप है। अभी इको खड़ी हुई है, इसकी जगह ही खड़ी करेंगे हम जब इसका भर जाएगा पेट्रोल, इसी पॉइंट पे भरवाया था। और अब इकोनॉमी देखो, एवरेज देखो, 14.7 पे मैं इसको ले आया हूँ। काफ़ी अच्छी फ्यूल यू नो एवरेज दे रही है गाड़ी एज पर ओडो, ठीक है, एज पर ओडोमीटर बहुत अच्छी एवरेज दे रही है। पूरे ऑलमोस्ट 60-70% मैंने जो गाड़ी चलाई है इकोनॉमी मोड पे तो 100% चलाई है, और अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल पे मैंने गाड़ी चलाई है 60-70% जितना भी रूट था। तो हम जीरो ट्रिप हमने करी थी, अभी ऑलमोस्ट 60 हो गई है, 59.9, और अब टैंक फुल करवाते हैं और एवरेज देखते हैं कि कितनी एवरेज इसने दी है, कितने का पेट्रोल भरता है। सुबह हमने टैंकी फुल करवाई थी, ज़रा सा कम हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अभी फुल करवाते और अभी पता चल जाएगा कि कितनी एवरेज दे रहा है। हमारे जो ये इस पे है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो दिखा रहा है 14.7 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दिखा रहा है। अभी चलते हैं वहाँ पे भरवाने, फुल कर देना अभी टैंकी फुल कर दे, ऑटो कट तक कर देना। हाँ ठीक है, डीजल एंड डीजल, हाँ ऑटो कट तक करा देंगे। हो गया ऑटो कट, हाँ ठीक है ऑटो कट तक रहने दो बस, ठीक है। हाँ 486.64 का आया डीजल, 5.43 लीटर, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा हमने 486 रुपीस का पेट्रोल का टैंक फुल करवा लिया। मैं अब आ गया हूँ अपने घर पे, गाड़ी पार्क मैंने कर दी है। सो अब आते हैं सबसे मेजर पार्ट में जो है कैलकुलेशन। सो हमने 60 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली गाड़ी चलाई, 59.9, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर गाड़ी चलाई मेरे घर से गुड़गांव मेरे ऑफिस तक, मेरे ऑफिस से सेम पेट्रोल पंप तक जहाँ से हमने शाम को पेट्रोल भरवाया था। 60 किलोमीटर गाड़ी चलाई और 486.64 का हमने पेट्रोल डलवाया, 486 ले लेते हैं। अब कितनी एवरेज आई, यू नो कितने रुपए पर किलोमीटर गाड़ी चली, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। मेरे पास जो फ़ोन है उससे, फ़ोन से तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने अपना ऑफिस का लैपटॉप निकाल लिया, तो इसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो जी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, 486 का हमने पेट्रोल भरवाया है दोबारा, ठीक है, जिसमें हमने चलाई है 60 किलोमीटर गाड़ी, तो हमारी जो 1 किलोमीटर गाड़ी चली है ना वो आठ रुपये पर किलोमीटर गाड़ी चल रही है हमारी। देखो ये गाड़ी सफारी, टाटा सफारी फेसलिफ्ट टॉप मॉडल 2000 cc की गाड़ी, 8 रुपये पर किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है, जिसमें मैंने जाते हुए स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में चलाई थी गाड़ी। जैसे कि आपने देखा जाते हुए काफ़ी ट्रैफिक था, बीच बीच में क्लियर हो रहा था बट ट्रैफिक था, ऑफिस तक ट्रैफिक था, ठीक है। आते हुए मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिला, 4:30 बजे का टाइम था, आपको पता हाईवे पे कोई ट्रैफिक नहीं होता है, तो आते हुए मेरे को इतना कोई ट्रैफिक नहीं मिला, तो मतलब मैंने एक तरह से सिटी मोड में भी चला ली गाड़ी और हाईवे में भी चला ली गाड़ी, ठीक है। तो मेरे को 8 रुपये पर किलोमीटर पर गाड़ी चली है। अब अगर ये एवरेज की बात करी जाए कि ये इसने एवरेज कितनी दी, तो अगर डीजल 90 रुपीज़ पर लीटर है, तो 90 को डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 11 रुपीज़ 11 की एवरेज दे रही है, 11 की गाड़ी ये एवरेज दे रही है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने और ऑर्डर पे जो लिखा हुआ आ रहा था, अभी फिलहाल ऑर्डर पे 14.2 लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो 14. पर आपने जब लास्ट चेक किया था तो 14.5 और 14.7 तक आ गया था, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ऑर्डर पे 14.7 तक लिखा आ रहा है तो 11.25 की मतलब 11 की एवरेज दे रही है। वो 14.5 तब लिखा हुआ आ रहा था जब हमने यू नो बहुत स्मूथ गाड़ी चलानी स्टार्ट कर दी थी, बट अगर आप टोटल जर्नी की बात करो तो 11 की एवरेज दे रही है, जो कि यू नो मेरे को लगता है कि बिल्कुल भी बुरी नहीं है, इनफैक्ट बहुत अच्छी है। 8 रुपये पर किलोमीटर गाड़ी चल रही है यार, मतलब अब आजकल CNG इतनी महंगी हो गई है,
सीएनजी गाड़ी भी 3 से 4 रुपए पर किलोमीटर गाड़ी चलती है। जब मेरे पास एनएससील होती चलो तब तो बड़ी सीएनजी सस्ती थी, मैंने तो 2-2.5 रुपए किलोमीटर पर भी चला रखी है गाड़ी, पर उसके बाद 3-3.5 पे आ गई थी। पर ये गाड़ी 7 सीटर गाड़ी आप अगर आप लेके जा रहे हो 8 रुपए पर किलोमीटर में चल रही है तो कोई बुरी नहीं है यार, मतलब बहुत सही है। और मैं अगर कहीं पर भी जाता हूँ ना इस गाड़ी पे तो मैं ये कैलकुलेशन लगा के चलता हूँ कि ये गाड़ी मतलब 10 रुपए पर किलोमीटर पे चलेगी चलेगी। जैसे मैं कई फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर की ट्रिप पे गया तो मैं फ्यूल कैलकुलेशन ऐसा करता हूँ कि 10 रुपए पर किलोमीटर पे चलेगी तो 10,000 का फ्यूल लगेगा लगेगा, और इसके अंदर अंदर ही फ्यूल लगता है, इससे कभी ऊपर नहीं गया। ठीक है, तो आपके सामने ही है 11 की एवरेज दिखा रही है, बट आप ये मान के चलो अगर आपके टाटा सफारी है 2000 cc की गाड़ी है ये, वो एवरेज बहुत अच्छा दे रही है, एवरेज में कोई दिक्कत नहीं है, डीजल गाड़ी है तो 11 की एवरेज आपको दे देगी, 11-12 की। आप मानोगे नहीं, मैंने इसमें ऑडो में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इसके 15-17-18 की एवरेज भी मैंने देखी है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, जहाँ पे अभी ये 14.2 लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने 18 से 20 की एवरेज भी देखी है। अगर मेरे को फोटो मिल जाएगी ना तो मैं फोटो डाल दूंगा इस वीडियो में। वो ना तब होता है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ही पेट्रोल जैसे ही पेट्रोल पंप पे मैं पहुंचा, मैंने डीजल डलवाया और उसी टाइम में मैं फिर हाईवे पे निकल गया, मैं सिटी में नहीं चलाया, तो जो एवरेज है ना वो एकदम से शूट करती, क्योंकि हम रीसेट कर देते हैं, मैं हमेशा रीसेट कर देता हूँ इसका ट्रिप रीसेट कर देना चाहिए अगर आपको ढंग की अगर आपको एकदम सही एवरेज देखनी है तो, मतलब एकदम सही तो नहीं दिखाता इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑब्वियसली, बट फिर भी मतलब क्लोज टू सही अगर देखनी है तो हमेशा रीसेट कर दिया करो। तो मैं रीसेट कर देता था और उसके बाद अगर मान लो हाईवे पे मैं निकल गया कहीं कहीं पे ट्रिप पे निकल गया तो भाई एवरेज 17-18-19 ऐसे ऐसे तक पहुंची हुई है। फिर जब मैं सिटी पे आता था स्टार्ट स्टॉप पे आता था तो फिर वो आराम आराम से कम हो जाती थी। सो ऑल इन ऑल अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कितनी एवरेज ये गाड़ी दे रही है। यार गाड़ी में मैं गाड़ी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, गाड़ी की अब फ्यूल इकोनॉमी भी मैंने आपको बता दी है, वो भी एकदम से एकदम सेटिस्फाई करती है, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही कम है। जैसे कि मैंने लोगों के ना रिव्यूज सुने हैं XUV700 की जो एवरेज है ना भाई साहब वो बहुत ही खराब है, मतलब मैं ऑन नहीं करता उसको तो इसलिए मुझे पता नहीं है, बट मैंने सुना है कि वो 6-9 इतने की एवरेज दे रही है मैक्सिमम। ठीक है, पेट्रोल में तो पेट्रोल में बता रहा हूँ, डीजल में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा 2-3। आई डोंट नो अब ये गाड़ी पेट्रोल में आएगी तो क्या एवरेज देगी, बट डीजल में बहुत सही एवरेज दे रही है। मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है, मेरी गाड़ी अभी मैंने 19 नवंबर को ली थी और आज 27 फरवरी है, 27 फरवरी है ना, हाँ 28 होगी उसे, 27 फरवरी है ये, मतलब तो 7,100 किलोमीटर चल गई है, सेकंड सर्विस ड्यू होने वाली है मेरी 7,500 किलोमीटर्स में, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने में मैंने उसको 7,000 किलोमीटर चला दिया, जिसमें अभी मेरी रनिंग अभी आने वाले टाइम में बढ़ेगी रनिंग, जैसे जैसे मैं कुछ ट्रिप प्लान आगे जैसे प्लानिंग है ट्रिप्स की तो रनिंग बढ़ेगी, तो उस हिसाब से मेरे लिए डीजल गाड़ी बहुत सही है। मेरे को डीजल ही बैठती सही, पेट्रोल गाड़ी तो बहुत महंगी पड़ती, तो अगर आपकी भी इतनी रनिंग है तो आप फिर आप डीजल ही कंसीडर करना है चाहे पेट्रोल आ जाए। लोग कहते हैं कि 10 साल में बंद हो जाएगी गाड़ी, बट ऐसा यार मेरे को तो अभी तक दूर दूर तक लग नहीं रहा कि डीजल बंद होगा। ठीक है, बट अगर होगा भी तो ऐसा नहीं है कि ये गाड़ियाँ एकदम से बंद हो जाएंगी, तो इसकी भी कुछ कीमत तो होगी ना, और आप जितना किलोमीटर ड्राइव करोगे उसमें आपके पैसे भी तो कम लग रहे हैं ना, पेट्रोल में ज़्यादा लगेंगे, तो ये सब कैलकुलेशन करनी होती है। मैंने कैलकुलेशन सारी करके ही ये डीजल बाय करी थी, नहीं तो मैं पेट्रोल के लिए भी रुक सकता था, पेट्रोल की कोई गाड़ी ले सकता था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर इतने बढ़ नहीं रहे हैं, जिस हिसाब से व्यूज़ है उस हिसाब से सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। बहुत छोटी सी बात है बट ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है, बहुत ही ज़्यादा। जब जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आई फील मोर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स माई सब्सक्राइबर्स, आई शुड बी फील मोर रिस्पॉन्सिबल जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मेरी वीडियो का वेट कर रहे हैं और वो सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं जल्दी से जल्दी नई वीडियो बनाऊँ और डालूँ। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।